नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 चीजों के बारे में, यानी कि उन 11 चीजों में से कोई भी एक चीज शिव को चढ़ा देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर हर महादेव दोस्त, इस एक महामंत्र को जपने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है। भगवान शिव तुरंत ही तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 11 चीजों के बारे में, यानी कि उन 11 चीजों में से कोई भी एक चीज शिव को चढ़ा देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। धन संबंधी हर प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती है, यानी आपको इन 11 में से कोई भी एक चीज चढ़ानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय शुभ ही हो और अच्छा ही हो और आपके साथ हमेशा भाग्य का साथ बना रहे, तो आप इस एक चीज को जरूर चढ़ाएं और इस पूरी वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि वह कौन सी चीज है ये चढ़ाने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों इस कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या फिर ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे आपको सिर्फ ऐसा कौन सा एक फूल है जिसे चढ़ाने से हर प्रकार के संकट को दूर हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे उन चीजों के बारे में भोलेनाथ को चढ़ाने से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे तो मैंने भी आपको बताया भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता है, इसीलिए उन्हें भी कहा जाता है भोलेनाथ। आइए जानते हैं भगवान शिव को ऐसी ही 11 सामग्रियां आप कौन सी अर्पित कर सकते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी हर प्रकार की मनोकामना को पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और साथ ही बेल के आइकन को जरूर दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज है जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव शिव पर जल चढ़ाने का बहुत ही बड़ा महत्व है। समुद्र मंथन की कथा में से जुड़ा हुआ ये शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है। समुद्र मंथन के समय निकले हुए विष को पीने के बाद शिव का रंग काला पड़ गया था, तो उन्हें शांत करने के लिए, शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। इसीलिए अगर आप भगवान भोलेनाथ को सिर्फ जल ही अर्पित करते हैं तो एक इसका विशेष महत्व है और इसका आपको पूर्ण लाभ भी मिलता है, आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं दूसरी चीज, आप क्या चढ़ा सकते हैं भगवान भोलेनाथ को। दूसरी चीज के बारे में बात की जाए तो वह है पत्र। भगवान के तीन नेत्रों का प्रतीक है दोस्तों, इन्हें ये बहुत ही और अत्यंत प्रिय है। अगर आप चाहते हैं तो भगवान भोलेनाथ सबसे पहले आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करते हैं, तो आपको प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक सबसे पहले करना चाहिए और उसके बाद आपको बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। पवित्र ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि भगवान भोलेनाथ को कोई भी चीज दान करने का आपको इतना बड़ा पुण्य मिलता है कि 1 करोड़ कन्यादान के बराबर होता है। भगवान के तीन नेत्रों का प्रतीक है। इसके बाद हम जानते हैं वो कौन सी चीज भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार आंकड़े का फूल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, तो अगर आप हो सके तो सावन के महीने में 1 आंकड़े का फूल चढ़ाएं, क्योंकि इससे आपको सोने के दाम के बराबर फल मिलता है और भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। नेक्स्ट चीज है धतूरा। भगवान धतूरे को अत्यंत प्रिय करते हैं। इसके पीछे जहाँ धार्मिक कारण बताए गए हैं वहीं वैज्ञानिक आधार भी कैलाश पर्वत पर हम देख सकते हैं। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते थे, अत्यंत ठंडा क्षेत्र था जहाँ से आहार और भोजन और रोशनी की जरूरत होती थी जो शरीर को प्रदान करे, शरीर को गर्मी प्रदान करे। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो उसका बहुत ही बड़ा शरीर को फायदा मिलता है। शरीर के अंदर ही अंदर गर्मी को बना के रखता है और आपके हर प्रकार के रोग को दूर भी करता है। यही नहीं, अगर आप भगवान भोलेनाथ को धतूरा चढ़ाते हैं तो भगवान भोलेनाथ को यह अत्यंत प्रिय है, तो भगवान भोलेनाथ आपकी हर प्रकार की मनोकामना को सुनते हैं और हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। जबकि धार्मिक कारण देवी देवता देवी भागवत पुराण में बताया गया है, इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकला विष को पी लिया था तब वे व्याकुल होने लगे थे। तब अश्वनी कुमार ने भांग धतूरा बेल शिव जी को व्याकुलता को दूर किया जाए इसलिए उनको चढ़ाया था और शिव भगवान ने इस धतूरे को पिया था। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही नहीं बल्कि इसमें मन ही मन अपने विचारों की कड़वाहट भी अर्पित कर दे। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं अगली चीज के बारे में। अगली चीज है भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होती है, इसलिए हमेशा परम आनंद में रहते हैं भगवान शिव। और समुद्र मंथन से निकलते विष का सेवन महादेव ने संत सागर की सुरक्षा के लिए
अपने गले में उतार लिया था। भगवान को शांत स्वरूप भांग दी गई, लेकिन भगवान ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी जाना जाता है कि संसार को व्याप्त हर बुराई और नकारात्मक चीजों को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसलिए हो सके तो आपको भांग का भी ध्यान रखना चाहिए और उन्हें भांग चढ़ाने चाहिए। इस समय में यानी कि सावन के महीने में आपको भांग अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं अगली उस चीज के बारे में जिसका आप दान कर सकते हैं। इसके बाद है भगवान शिव को अगर आप चाहें तो कपूर भी अर्पित कर सकते हैं। कपूर एक प्रकार का मंत्र है दोस्तों, यानी कि जो कपूर के समान उज्ज्वल है। कपूर के वातावरण को शुद्ध और पवित्र बनाती है और भगवान भोलेनाथ की महक से भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रेम है और भगवान भोलेनाथ के लिए ये बहुत ही अनिवार्य भी है। तो आप सावन के महीने में हो सके तो कपूर का दान जरूर करें। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, वह कौन सी है जो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो चीज है वह है दूध। दूध सावन मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध 1 मार्च में सावन के महीने में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी की बजाय हानिकारक होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस मास में दूध का सेवन निषेध बताया गया है। इसलिए सावन में दूध का सेवन ना करते हुए भगवान शिव को अर्पित करें और उसे शिव को अर्पित करने का विधान बताया गया है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं और आप क्या अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद है चावल। चावल को भी आप कहा गया है अक्षत, जैसे आप चढ़ा सकते हैं। अक्षत का अर्थ है जो धन धान्य से परिपूर्ण हो और इसका रंग सफेद होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर्ग यानी कि जन्नत का रंग भी सफेद होता है, इसलिए हमें धरती पर रहते हुए और मृत्यु के पश्चात भी जन्नत प्राप्त हो, इसलिए हमें उन्हें अक्षत भी चढ़ाने चाहिए। किसी भी पूजन के समय गुलाल हल्दी कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं, और अगर ये अर्पित ना हो तो शिव की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि पूजा में आवश्यक सामग्री ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपने अक्षत यानी कि चावल नहीं चढ़ाए तो वह नहीं मान्य होगा। इसीलिए आपको भगवान भोलेनाथ को चावल चढ़ाने चाहिए। इसके बाद बात की जाए तो आप चंदन भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का तेल लगाते थे, चंदन का प्रयोग किया जाता था, इनकी खुशबू से वातावरण खिल जाता है। आइए तो जानते हैं चंदन का उपयोग। अगर आप इसे अपने मस्तक पर लगाते हैं या फिर आप भोलेनाथ के मस्तक पर लगाते हैं तो इससे आपके समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, आपके प्रमोशन के योग बनते हैं। इसका अर्थ है पवित्रता। ये भगवान शिव ने एक व्यक्ति की जली हुई चिता की भस्म भी अपने शरीर पर लगाई थी, इसीलिए यह हर प्रकार की चिंता से आपको मुक्ति भी दिलाता है, जिससे आपके तन पर लगाकर आप पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं और समाज में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। भस्म को लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्माओं से जोड़ते हैं। उसके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उनके जीवन का कोई अंश शेष नहीं रहता, ना उनके दुख ना उनके सुख, ना कोई बुराई ना ही कोई अच्छाई, व्यक्ति किसी भी प्रकार से उनके लिए सम्मिलित नहीं होता है, इसलिए वह रात पवित्र होती है, उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं हो पाता है। ऐसी राख को भगवान शिव को अपने तन पर लगा करके सम्मानित करें, यानी कि आपको वह चीज है राख यानी कि भस्म जो आपको लगानी चाहिए। आप भगवान शिव के हवन की धुनि यानी कि चिराग को अपने भस्म को अपने शरीर पर लगा सकते हैं। एक समय था जब स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया था तो क्रोधित शिव अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए उसकी भस्म को अपने पूरे शरीर पर लगा लिया था, ताकि सती बस उनके समीप रहे और उनके कानों में के जरिए हमेशा उनके साथ रहे। जब पार्वती ने खुद को अग्नि के हवाले किया तो भगवान शिव ने उनकी भस्म को अपने शरीर पर लगाया, इसीलिए तभी से भस्म को उनका प्रिय भोग माना जाता है और उनके द्वारा उसका लेप किया जाता है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं? भगवान भोलेनाथ को अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इस चीज के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कहिए, यानी कि भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा आप माता पार्वती के चित्र यानी कि तस्वीर या फिर आप उनकी मूर्ति के सामने बैठकर कहिए। भगवान शिव जी ने जब जगत की कल्याण के लिए अपनी आंखें बंद की तो उस जगह पर उन्होंने अपना रूप रुद्राक्ष के रूप में ले लिया था, इसीलिए रुद्राक्ष को भी भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। रुद्राक्ष का अर्थ ही है रुद्र का अंश, यानी कि रुद्र यानी साक्षात भगवान शिव उनका अंश, और उन्होंने इस प्रकार से अपनी उत्पत्ति एक रुद्राक्ष के रूप में की थी। उसी समय से जब भी रुद्राक्ष पर कोई फल लगता है तो रुद्र के समान होता है और उसे रुद्र कहते हैं। रुद्राक्ष का ध्यान करते हैं
या फिर आप भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत, धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें ओम नमः शिवाय या फिर जय बजरंग।